गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ओके स्टूडेंट्स आज हम लोग एज़ यू ऑल नो कि हम पहले अभी से यूनिट टेस्ट से पहले हम ये चैप्टर पढ़ रहे थे दैट इज़ इंडिया क्लाइमेट नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ उसमें हम लोगों ने मेजर सीज़न्स ऑफ इंडिया कंप्लीट कर लिया था नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज फैक्टर्स अफेक्टिंग द क्लाइमेट ऑफ इंडिया अब हम ऐसे फैक्टर्स के बारे में जानेंगे जो इंडिया के क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं मींस कि क्लाइमेट इंडिया के जो क्लाइमेट में चेंजेस होते हैं उसके पीछे क्या क्या रीजंस हैं फर्स्ट इज लोकेशन एंड लैटिट्यूडनल एक्सटेंट इंडिया लाइज रफली बिटवीन सिक्स डिग्री नॉर्थ एंड थर्टी सेवन डिग्री सिक्स मिनट्स नॉर्थ लैटिट्यूड्स द कंट्री इज डिवाइडेड इन ऑलमोस्ट थ्रू द मिडल बाय द tropic of cancer northern india is a subtropical and temperate zone whereas southern india which is to the south of the tropic of cancer is the tropical zone <clears throat> the tropical, tropical zones experiences high temperatures throughout the year because they are closer to the equator ठीक है इंडिया आपकी कहाँ पर लाइक करती है इट लाइज बिटवीन सिक्स डिग्री नॉर्थ और थर्टी सेवन डिग्री सिक्स मिनट्स नॉर्थ के बीच में ठीक है एंड द कंट्री इज डिवाइडेड ऑलमोस्ट थ्रू द मिडल ऑफ बाय द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ये मैंने आपको इससे पहले चैप्टर में भी पढ़ाया था कि जो हमारा इंडिया है दिस इज द मैप ऑफ वर्ल्ड एंड जो हमारा इंडिया है वो बिल्कुल मिडिल से किससे कट हुआ है थ्रू ट्रॉपिक ऑफ़ कैंसर दिस लाइन इज़ ट्रॉपिक ऑफ़ कैंसर जो इंडिया को बिल्कुल सेंटर से कट करती है एंड दिस शोज दैट जो ऊपर वाला पार्ट है दैट इज़ द नॉर्दर्न इंडिया ट्रॉपिक ऑफ़ कैंसर के ऊपर वाला जो पार्ट है वो क्या कहलाता है सब ट्रॉपिकल या फिर टेम्परेट जोन उसको क्या बोला जाता है सब ट्रॉपिकल या टेम्परेट जोन और जो सदर्न इंडिया है यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे वाला जो पोर्शन है इंडिया का विच इज़ टू द साउथ ऑफ़ द ट्रॉपिक ऑफ़ कैंसर इज द ट्रॉपिकल जोन और उसको क्या बोला जाता है ट्रॉपिकल जोन और जो सादर्न इंडिया है यानी कि जो ट्रॉपिक ऑफ़ कैंसर के नीचे वाला एरिया है दैट इज ट्रॉपिकल जोन वहाँ पर कैसा टेम्परेचर रहता है एक्सपीरियंस इज हाई टेम्परेचर थ्रू आउट द ईयर वहाँ पूरे साल कैसा टेम्परेचर रहता है बहुत गर्म रहता है क्यों क्योंकि वो इक्वेटर के पास है एंड सी वेयर इज इक्वेटर ये आपकी लाइन जो है दिस इज़ ट्रॉपिक ऑफ़ कैंसर दिस इज इक्वेटर ठीक है ये आपकी इक्वेटर की लाइन है एंड ये इक्वेटर आपकी इंडिया के सदन पोर्शन में आती है तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के जो नीचे वाला पार्ट है इंडिया का दिस पोर्शन इक्वेटर के ये क्या है बहुत पास है जिसकी वजह से यहाँ का जो टेम्परेचर रहता है वो थ्रू आउट द ईयर पूरे साल कैसा रहता है गर्म रहता है ओके नाउ नेक्स्ट इज डिस्टेंस फ्रॉम द सी सदर्न और पेनसुलर इंडिया इज सराउंडेड बाय द अरेबियन सी द इंडियन ओशन एंड द बे ऑफ बंगाल यू ऑल नो कि जो हमारा पेनंसुलर इंडिया है या सदर्न इंडिया है वो तीन साइड से पानी से घिरा हुआ है एक साइड अरेबियन सी दूसरा इंडियन ओशन और तीसरा एरिया है बे ऑफ बंगाल का बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द थ्री ऑफ दीज वाटर बॉडीज द क्लाइमेट ऑफ द कोस्टल रीजन ऑफ इंडिया कैन बी डिस्क्राइब एज इक्वेबल और मैरेटाइम और ये पानी होने की वजह से इंडिया के चारों तरफ तीनों तरफ उसकी वजह से क्या होता है जो कोस्टल एरियाज हैं कोस्टल एरियाज़ कौन से होते हैं जो पानी के पास वाले एरियाज होते हैं जो कोस्टल इंडिया है इंडिया, इंडिया का सॉरी जो कोस्टल इंडिया है वो वहाँ का टेम्परेचर कैसा होता है इक्वेबल होता है या फिर मेरी टाइम मतलब वहाँ का टेम्परेचर ना तो बहुत ज़्यादा गर्म होता है और ना ही बहुत ज़्यादा ठंडा मॉडरेट टेम्परेचर में आता है कॉन्ट्रेरी टू दिस और इसके ऑपोजिट द क्लाइमेट ऑफ द रीजन्स लोकेटेड इन द इंटीरियर ऑफ द कंट्री और जो इंडिया के अंदर वाले जो पोर्शन है कंट्री के अंदर वाले जो पोर्शन है वहाँ का कैसा टेम्परेचर रहता है आर कट ऑफ फ्रॉम द ओशानिक इन्फ्लुएंस वो पूरा ओशियन ओशियन से बिल्कुल कटे हुए हैं यानी कि ओशियन पर उनका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है जिसकी वजह से देयर फोर दे हैव एन एक्सट्रीम और कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट और इसीलिए वो टेम्परे वो वाले एरियाज जो अंदर की तरफ हैं वहाँ का टेम्परेचर कैसा रहता है एक्सट्रीम रहता है यानी कि गर्म रहता है और उसको हम कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट भी कहते हैं नेक्स्ट इज हिमालयाज द हिमालयन एंड एडजॉइनिंग माउंटेन रेंजेज प्रोटेक्ट इंडिया फ्राम द बिटरली कोल्ड एंड ड्राई विंड्स ऑफ सेंट्रल एशिया ड्यूरिंग द विंटर अच्छा जब हम लोगों ने इससे पहले वाले चैप्टर में हिमालियाज़ पढ़े थे तो मैंने आपको बताया था जो हिमालयाज़ होते हैं वो इंडिया इंडिया को बहुत ज़्यादा सीवियर कोल्ड से बहुत बचाते हैं जो बहुत ठंडी हवाएं सेंट्रल एशिया से चलती हैं वो हिमालयाज़ इंडिया में आने से रोकते हैं Furthermore, they दे एक्ट एज एन physical फिजिकल बैरियर फॉर द रेन southwest साउथ वेस्ट मॉनसून stop एंड स्टॉप crossing the क्रॉसिंग द नॉर्दर्न फ्रंटियर्स ऑफ इंडिया दूसरी चीज़ ये और क्या करते हैं ये जो नॉर्दर्न नॉर्दर्न इंडिया की जो नॉर्थ इंडिया के ऊपर वाला पोर्शन है या आप इंडिया के मैप में देख सकते हैं सी दिस इज़ द फिजिकल मैप ऑफ़ इंडिया यहाँ पर जितनी भी ऊपर से ये हिमालयाज हैं हमारे और हिमालय के ऊपर जितनी भी हवाएं जो ठंडी हवाएं ऊपर से आती हैं एशिया के सेंट्रल पार्ट से वो सारी हवाएं कौन रुक लेता है आपका हिमालयस रोक लेते हैं और हवाओं के साथ साथ जो साउथ वेस्ट मॉनसून होते हैं उन मॉनसून बहुत तेज़ जो बारिश होती है उसको भी हिमालयस बहुत हिमालयाज़ बहुत बड़े होते हैं और उनको वो रोक लेते हैं दीज माउंटेन रेंजेस आर अ मेजर क्लाइमेटिक क्लाइमेटिक डिवाइड बिटवीन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट एंड सेंट्रल एशिया और ये जो माउंटेन रेंजेस हैं यानी कि जो हिमालयस की रेंजेज हैं वो एक क्लाइमेटिक डिवाइड है कि मतलब ये क्लाइमेट को डिफ़र करती है किसमें किस में इंडियन सब कॉन्टीनेंट और सेंट्रल एशिया का जो क्लाइमेट है उसको ये क्या कर देती है डिवाइड कर देती है क्योंकि जो हिमालयाज़ हैं वो जब ऊपर से हिमालयाज़ क्या करते हैं ऊपर से आने वाली हवा को ठंडी हवा को रोक लेते हैं जिसकी वजह से इंडिया का जो टेम्परेचर होता है वो बदल जाता है और ऊपर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कोल्ड होता है Now next is physiography. The temperature, air pressure, direction, and speed of wind, and the amount and distribution of rainfall are all affected by the physiography of India. Physiography, physiography में आपने क्या पढ़ा था अलग अलग type के features पढ़े थे India में कौन कौन से होते हैं जैसे कि किस type के mountains हैं किस type के desert हैं तो वही आपके physiography के अंदर आते हैं तो वहाँ का जो temperature, India का temperature एयर प्रेशर एयर का कैसा प्रेशर है डायरेक्शन एंड स्पीड ऑफ विंड विंड कहाँ पर तेज़ चलती हैं कहाँ कम चलती हैं एंड द अमाउंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ़ रेनफॉल कहाँ पर रेनफॉल ज़्यादा होती है कहाँ कम होती है ये सारी चीज़ें किससे अफेक्ट होती हैं इंडिया के फिजोग्राफी से द विंडवर्ड साइड ऑफ द वेस्टर्न घाट्स एंड आसाम रिसीव हाई रेनफॉल फ्रॉम जून थ्रू सेप्टेम्बर वेयर आर द सदन प्लाटू रिमेंस ट्राई ड्यू टू इट्स लीवर्ड पोजिशन अलॉन्ग द वेस्टर्न घाट्स जो विनवर्ड साइड होती है विनवर्ड साइड मतलब देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है फेसिंग द विंड और ऑन द साइड फेसिंग द विंड ऐसी जगह ऐसी साइड जो विंड को फेस करती है तो जो वेस्टर्न घाट्स और आसाम की जो ऐसी साइड जहाँ पे विंड आती है विंड को वो फेस करती है वहाँ पर क्या होता है बहुत तेज़ बारिश होती है कब जून से लेकर सितंबर तक वेयर आज सदर्न प्लेटो रिमेन्स ड्राई ड्यू टू तो इट्स लीवर्ड पोडीपोजिशन अलोंग द वेस्टर्न घाट्स और जो आपके ये आपके वेस्टर्न घाट्स है आर वेस्टर्न घाट्स और जो हमारा सदर्न पोर्शन है जो सदर्न प्लेटो है यहाँ पर क्या होता है बारिश क्या होती है लीवर्ड साइड है ये मतलब विंड का लीवर्ड साइड है एक ऊपर वाला जो एरिया है वहाँ पर विंड आती है और ये वेस्टर्न घाट्स के जो इधर सदर्न प्लेटो वाला है ये लीवर्ड साइड लीवर्ड साइड होती है मतलब विंड का उल्टा साइड जहाँ पर विंड नहीं फेस करी जाती है वहाँ पर हमेशा उस टाइम पे क्या रहता है ड्राई सीजन बना होता है बिल्कुल वहाँ पर बारिश नहीं होती है नेक्स्ट इज एल्टीट्यूड ऑल दो द एवरेज टेम्परेचर रिमेन्स जनरली हाई थ्रू आउट इंडिया द हिमालयाज एंड अदर हाई माउंटेन्स हैव लोअर टेम्परेचर्स इवन इन द समर ड्यू टू देयर हाई एल्टीट्यूड एल्टीट्यूड मतलब ऊंचाई कितनी ऊँचाई पे कौन सी जगह है तो जैसे जैसे हाइट बढ़ती चली जाती है जैसे जैसे हम इंडिया में ऊपर चलते चले जाते हैं मीन्स ऊपर जाते हैं तो क्या आता है जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश पंजाब उत्तराखंड तो ये सब ऐसी प्लेसेस हैं जहाँ पर हमेशा क्या रहता है ठंड पूरे साल यहाँ पर ठंड बनी रहती है अगर समर्स भी हैं तो भी यहाँ पर कैसा मौसम रहता है ठंडा रहता है तो जैसे जैसे एल्टीट्यूड बढ़ता जाता है वैसे जैसे और सबसे नीचे हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि जैसे जैसे एल्टीट्यूड्स बढ़ते जाते हैं एल्टीट्यूड की हाइट बढ़ती जाती है वैसे वैसे टेम्परेचर में क्या होते लगते हैं चेंजेस होने लगते हैं तो ऊपर वाले जो एरिया है वहां पर हमेशा कैसा रहता है ठंडा मौसम रहता है इवन इन द समर्स ऑल्सो ओके नाउ द लास्ट टॉपिक इज विंड रिवर्सल द इंडियन क्लाइमेट इस with the change in season। जो इंडिया का क्लाइमेट है वो पूरा पूरा किसप टिका हुआ है विंड सिस्टम पे कि कहाँ से विंड किधर से किस जगह से कैसे चेंज होती है कहाँ हवा का रुख जिस तरफ बदल जाता है उस तरफ हमारा टेम्परेचर भी बदल जाता है क्लाइमेट चेंज हो जाता है ड्यूरिंग द विंटर अब विंटर की बात करें तो जो ट्रेड विंडस जनरली ब्लो फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट टू द साउथ वेस्ट अब देखिए नॉर्थ ईस्ट कौन सा रीजन हो गया दिस इज नॉर्थ ईस्ट एंड दिस इज साउथ वेस्ट मतलब ये नॉर्थ ये साउथ वेस्ट और ये नॉर्थ ईस्ट तो विंटर्स में जो ट्रेड विंड्स हैं वो कैसे ब्लो करती हैं नॉर्थ ईस्ट से चलती हैं साउथ वेस्ट की तरफ यानी कि ऊपर से चलेंगी नीचे की तरफ विंडस आर ड्राई ये कैसी विंड्स होती हैं ड्राई होती हैं सूखी होती हैं डिवाइड ऑफ मॉइस्चर इनमें बिल्कुल मॉइस्चर नहीं होता है एंड आर कैरेक्टराइज बाय लो टेम्परेचर्स एंड हाई प्रेशर कंडीशंस ओवर द कंट्री और ये क्या कल क्या ले आती हैं इंडिया में लो टेम्परेचर यानी कि टेम्परेचर कैसा हो जाता है कम हो जाता है और प्रेशर कंडीशंस ज़्यादा हो जाती हैं कंट्री के अंदर ड्यूरिंग समर अ कम्पलीट रिवर्सल इन द डायरेक्शन ऑफ द विंड इज ऑब्जर्व्ड एज दे ब्लो प्राइमरी फ्रॉम द साउथ वेस्ट टू द नॉर्थ वेस्ट और जब समर सीजन आते हैं तो नीचे से हवाएं साउथ वेस्ट से चलती हैं और ऊपर की तरफ नॉर्थ ईस्ट की तरफ से जाती हैं तो तब क्या होता है एंड कैरिंग विद मॉइस्चर फ्रॉम द लार्ज वाटर बॉडीज दैट सराउंड द इंडियन सब कॉन्टिनेंट और ये क्या करती हैं जो इनके पास जो वाटर बॉडीज है यहाँ ये साउथ वेस्ट पोर्शन में देख रहे हैं आप ये पूरी वाटर बॉडीज है तो यहां से मॉइस्चर के साथ विंड्स चलती हैं और वो अपने साथ ऊपर की तरफ इसको लेकर जाती हैं तो <coughs> और ये पूरे एरिया में पूरा जो जितना भी इंडियन सब कॉन्टिनेंट है उसको पूरा क्या कर देती है सराउंड कर देती है सो दीज वर द फैक्टर्स विच अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ इंडिया ओके स्टूडेंट्स दैट्स ऑल फॉर टुडे अब नेक्स्ट डे नेक्स्ट हमारी क्लास जो होगी उसमें हम पढ़ेंगे मॉनसून ऑफ इंडिया थैंक यू क्लास